डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं ना, डिवाइड में हम जो डिजिट होते हैं या जो चीजें होती है उसको हम लोग किस नाम से डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 डिवाइडेड बाय 5। सो वी सॉल्व, 15 इज द डिवाइडेड डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड। नेक्स्ट हमारा 5 क्या होगा, डिवाइजर होगा, हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना, तो डिवाइजर होता है। अब बेटा ये बात ध्यान रखने की है कि जो बड़ा डिजिट होता है उसको हम लोग हमेशा अंदर की तरफ राइट डाउन करते हैं, और जो छोटा डिजिट होता है उसको हम डिवाइजर की तरह यूज करते हैं, और उसे हम लोग बाहर लेते हैं, उससे हम लोग बड़े डिजिट को डिवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, 15 की टेबल हम लोग बोलेंगे, 15 की टेबल में, सॉरी 5 की टेबल में 15 कितनी बार आते हैं, हाउ टाइम्स। सो स्टार्ट विद द टेबल, 5 वंस आर 5, 5 टू आर 10, 5 थ्री आर 15, 15 आ गया। 5 की टेबल में 15 किस टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स को हमने क्या लिख दिया, यहाँ ऊपर लिख दिया माइनस करा 15 में से 15, हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आया, मतलब हमारे पास डिजिट नहीं बचा, मतलब हमारा माइनस हो चुका है। तो जो आंसर आ रहा है हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, हम क्वेश्चन बोलते हैं। अब यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हम लोग डिविडेंड किसे बोलते हैं, डिवाइजर किसे बोलते हैं, और क्वेश्चन किसे बोलते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6.1। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट, स्टार्ट विद द 6.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सी इन योर बुक पेज नंबर 67। स्टूडेंट क्वेश्चन है, डिवाइडेड 15 एप्पल बाय द मेकिंग ग्रुप ऑफ 3, यानी हमें 15 एप्पल्स को मेकिंग ग्रुप, यानी ग्रुप बनाकर उसे 3-3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास 15 एप्पल्स है स्टूडेंट, लुक एट हियर, दीज आर 15 एप्पल्स, ठीक है, 15 एप्पल्स हो गए। हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले हम लोग सभी ग्रुप में एक एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 ग्रुप, 2nd ग्रुप, 3 ग्रुप, हम लोगों ने 3 ग्रुप में बनकर एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, हम लोगों ने 1 ग्रुप में एक एक एप्पल दे दिया, और हमने यहां से उसे कट कर दिया। स्टूडेंट आप देखते हैं हमारे पास कितने एप्पल बचे, काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एप्पल्स आर देयर, अभी भी हमारे पास बचे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वन वन एप्पल और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो कट हियर, 1, 2, 3, एक एक एप्पल हमने तीनों ग्रुप में वापस से दे दिए। अब हमारे पास कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वी हैव रिमेनिंग 9 एप्पल ऑल्सो अवेलेबल। सो 1, 2, 3, हमने 3 एप्पल वापस एक एक ग्रुप को ले लिया, आप लिखते ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्रुप 1 ए बी और दे दिया हम लोगों ने, 3-3 एप्पल आ गए। अब हमारे पास अभी भी एप्पल बचे हैं, अब क्या करेंगे, इतने सारे एप्पल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलो फिर वापस से हम फिट करते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल,
3, 4. 4 का भी है, यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4. 4 ग्रुप्स हो गए. ईच ग्रुप में कितना आया? वापस से कैलकुलेशन करेंगे. 1, 2, 3. ग्रुप 3 के पास 3 आए, सॉरी ग्रुप A के पास 3 फ्लावर्स आ गए. ग्रुप 4 के पास B के पास भी 3 आए हैं. ग्रुप C के पास भी, ग्रुप D के पास भी 3 3 है. मतलब सभी के पास 3 3 ईच.